वाह, आज कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे सूर्योदय के पहले भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन क्या करें, इतना हड़बड़ी रहता है सुबह सुबह के, कुछ सूट ही नहीं किया जाता। खैर कोई नहीं, ये सीन भी कमाल का है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मेरे घर की पीछे वाली बेलकोनी से, और इसीलिए कि क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने अच्छे चंपा के फूल खिले हुए हैं। चलिए मैं जरा नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, चलिए इनको थोड़ा तोड़ लेते हैं। पूजा करने में काम आएंगे। ऊपर भी बहुत सारे फूल हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। इस सीजन में बहुत सारे चंपा खिलते हैं, और वैसे इसका स्मेल तो बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन सालों से रोज वही स्मेल नाक में आता है, तो हमें आजकल स्मेल का पता ही नहीं चलता, लेकिन आप सबको बहुत स्मेल आ रहा होगा वीडियो के जरिए। कल शाम से जो बारिश लगी कि क्या बताऊं, बहुत जोर की बारिश हुई रात भर। सुबह सुबह बारिश बंद हुआ और लगा था कि थोड़ी सी ठंडक तो मिलेगी, लेकिन फिर से गर्मी चालू। क्या करें, वैसे आपको ये सब देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे ये सब क्यों लगाया हुआ है। देखिए यहाँ सब लोग कैसे घर आगे तक लेके गए हैं, एक्सटेंशन किया हुआ है, तो कोई अनवांटेड पर्सन घर में ना घुस जाए, इसीलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए ये छोटा सा प्रयास। और यहाँ नीचे के तरफ हमने ये नेट लगा दिया है, क्योंकि इतनी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे कि क्या बताऊँ। यहाँ पास में एक हैं जिन्होंने बहुत सारी बिल्लियाँ पाली हुई है, लेकिन पाले हैं सिर्फ। पालने का मतलब ये नहीं कि अपने नाम पे रखो और बिल्लियों को छोड़ दो ताकि वो इधर उधर सबके घरों में घुसते रहें और परेशान करते रहें। और ये बिल्लियों से ही परेशान होके ये सब किया हुआ है। देखने में अच्छा ना लगे तो ना लगे, क्या करें, इंसान थोड़ी परेशानी से तो बचेगा। देखिए इतना चंपा मिला आज मुझे,
और चलिए मैं आपको मेरे गार्डन में और थोड़े फूल दिखाती हूँ। इसका कलर दिख रहा है ना आपको अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है। सोच रही थी कि इसको भी तोड़ लूं, लेकिन फिर मन ही नहीं किया। और ये पिंक पिंक जारबेरा सब है, और ये भी पिंक कलर के फ्लावर। कितने छोटे छोटे रोज़ेस हैं, और ये भी पिंक कलर के हैं। एक और जारबेरा देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता चल ही गया होगा कल रात से ही कि हमारी नई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है, और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इसीलिए कि वो हमारे ओडिशा से हैं। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। वैसे जब उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुना गया था, तब से ही एक आस बंधी हुई थी कि यही जीत जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसका बहुत सारा कारण है। वैसे मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे बहुत, मतलब आप अच्छा कहें या बुरा कहें, मेरी आदत थी कि मैं अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदियों का सब जीवनी पढ़ती थी, उनका बायोग्राफी पढ़ती थी। तो तब मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगती थी कि जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हुए थे तब तक, उनमें से ज्यादातर बस वही कुछ एक या दो राज्यों के थे, और फिर धीरे धीरे एक एक करके दूसरे राज्यों के भी आए, लेकिन ओडिशा से कोई भी इन पदों में आसीन नहीं हुए थे। लेकिन बाकी राज्यों का जो आए, वो तो थोड़ी देर में आए, लेकिन मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ। तब तक जितने भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, वही एक या दो राज्यों के ही थे। और मैं तो अपनी मम्मी से भी पूछती थी उस टाइम कि हमारे ओडिशा से क्यों कोई नहीं है। मम्मी के पास शायद उसका उत्तर था, लेकिन मेरे पास उसको समझने की शायद उतनी क्षमता नहीं थी, इसीलिए मम्मी मुझे कुछ ज्यादा बताती नहीं थी। लेकिन तो आज हमारे देश की सबसे कम उम्र वाली राष्ट्रपति हमारे ओडिशा की हैं। उन्होंने तो कई सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं, उनके नाम पे अभी रिकॉर्ड्स होगा, इसीलिए बहुत ही खुशी हो रही है। और एक बात और है कि उनके कारण आज उड़ीसा को एक पहचान मिली। मुझे याद है जब एक बार क्या हुआ ना, हम लोग घूमने गए, अंडमान गए थे, तो उस टाइम कुछ दूसरे राज्यों के भी लोग आए थे घूमने। तो हमारी जो ग्रुप थी वो सारे के सारे ओडिया ही थे। हम जो तीन चार फैमिली गए थे, तो हम लोग आपस में ओडिया में ही बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, हम सब शिप में कहीं जा रहे थे घूमने किसी जगह, तो हमारे साइड में दूसरे राज्यों के भी कुछ लोग थे। वो लोग ऐसे ही पूछ बैठे कि आप लोग कहाँ से आए हैं।
जैसे ही हमने बताया कि हम ओडिशा से हैं, तो उनको तो पता ही नहीं था कि भारत में एक राज्य है जिसका नाम ओडिशा है। वो बोले, वो बांग्लादेश में आता है क्या, या श्रीलंका में, या फिर नेपाल में? जब हम लोग बोले कि हम इंडियन ही हैं, लेकिन हम बोल तो दिए कि हम इंडियन हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन था कि हम ओडिशा से हैं सुन के, उनको पता ही नहीं था कि ओडिशा नाम का एक राज्य भी भारत में है। जबकि भारत स्वाधीन होने से पहले ही ओडिशा बन चुका था अपने भाषा के आधार पर। जब बाकी सारे राज्यों का गठन नहीं हुआ था तब भी ओडिशा था। और दुख की बात यह है कि लोग हमारे आराध्य को जानते हैं, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं? वो आराध्य आखिर कहाँ है, किस राज्य में है, उनका मंदिर कौन से राज्य में है, ये लोगों को पता ही नहीं है। कितना दुख की बात था उस टाइम मेरे लिए। और मैं हमेशा प्रे करती थी कि ऐसा कुछ तो हो कि लोग हमारे राज्य को जाने, हमारे राज्य को पहचाने। जब कोई हमें मिले तो कहाँ से आए हैं पूछे, तो हम अगर बोलें कि हम उड़ीसा से हैं, तो कोई ये ना बोले कि उड़ीसा वो कहाँ पे है। जब हम बोलें कि हम उड़ीसा से हैं, तो वो बोले कि अरे वाह, आप उड़ीसा से हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खैर, इतने दिनों बाद ही सही, एक इच्छा तो पूरी हुई मेरी, एक नहीं दो इच्छा। और द्रौपदी मुर्मू मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे ओडिशा को एक पहचान दिलाई। अब शायद पूरे वर्ल्ड में कोई ये नहीं पूछेगा कि ओडिशा कहाँ पे है, सबको पता चल जाएगा कि ओडिशा कहाँ पे है, ओडिया क्या है, ओडिया कल्चर क्या है। और राष्ट्रपति जी को तो बहुत बहुत बधाइयाँ। सच में आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। लो जी, बारिश शुरू हो गई। आप भी थोड़ा बारिश का नज़ारा देख लीजिए, एकदम झमाझम बारिश। पता नहीं मेरे हस्बैंड अभी इतने बारिश में, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आएंगे। बारिश को थोड़ी देर ही आना, बारिश थोड़ी देर से आती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या करें, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कैसे कंट्रोल करें। खैर छोड़िए, आप बारिश का थोड़ा आनंद लीजिए। देखिए कितना झमाझम बारिश हो रहा है। उधर से तो इतना हवा आया कि मैं खिड़की दरवाजे बहुत मुश्किल से बंद की। इधर का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए। खैर ये बातें छोड़िए, ये सब तो अपनी जगह। रात भर बारिश होने के बाद सुबह फिर से धूप लगी और गर्मी का क्या ही बोलें। और शायद आपको अभी थोड़ा आवाज़ भी आ रहा होगा, बादल गरज रहे हैं। शायद बारिश आ सकती है क्योंकि
बादल घिरे हुए भी हैं। वैसे मुझे बिजली तो दिखाई नहीं दे रही, बस गरज ही सुनाई दे रहा है, मतलब कहीं दूर ही कहीं बारिश हो रहा है। आपके यहाँ कैसा माहौल है? वैसे आप कौन से राज्य से मेरे वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं अगर वीडियो को भी ज़्यादा खींचूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अपने लाइफ के पन्ने फिर कभी खोलूंगी। आज ये वीडियो को मैं इतने में ही रखती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो, आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।